अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। गुलाम भारत में गोरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों के नाकों चने चबवा देने वाला, देश की आजादी के लिए अपनी जान लड़ा देने वाला एक समुदाय जिसका गौरवशाली इतिहास अतीत के पन्नों में कहीं दबा दिया गया। उस शिकारी समुदाय का नाम था चित्ता समुदाय। इस समुदाय के योद्धाओं ने मराठा और राजपूत जैसे गौरवशाली राजाओं के साथ मिलकर दुश्मनों के खिलाफ जंगें लड़ी थी। इनसे अंग्रेज इतना भयभीत थे कि इनको वश में करने के लिए अंग्रेजों ने नए कानून बना डाले जिसके तहत चित्ता समुदाय के हर शख्स को जन्म जात अपराधी करार दिया गया। इस समुदाय में पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम जन्म पत्री बनने से पहले पुलिस के रिकॉर्ड में लिखा जाने लगा। आजादी के बाद भारत सरकार ने इस वहशी कानून को रद्द कर दिया, लेकिन समाज का नजरिया नहीं बदला। शिकार इनका पेशा नहीं, धर्म था, जिस पर कानूनी पाबंदी लगने से इनका धर्म इनसे छीन गया और पेशा कानून के धारे में आ गया। नतीजन इनका जीवन और कठिन हो गया। आज हालात ये हैं कि चित्ता समुदाय के लोग जन्म जात अपराधी होने के कलम के साथ जीते हैं, और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इन्होंने इस कलंक को स्वीकार लिया है। इन्होंने मान लिया है कि ये है चित्ता, एक जन्म जात अपराधी। कितना सारा चिड़ैया फंसाना आज, मजा आ गया। पिद्दी चुनमुन चिरई पकड़ लाए हरीश, तीतर चाहे बतेर पकड़ के लाते तो पका के खाते भी। ये कोई चुनमुन चिरई नहीं है, ये विदेशी पक्षी है बिंदी, और इसका ना बहुत ही अच्छा दाम मिलेगा दद्दा को। डराएगा हमें किसी मंजर से, हम पीठ भी खुजाते हैं तो खंजर से। बाप बल्लू पाल करती है, तुम्हारे हिम्मत भरे शिकार का शानदार इनाम है। सेलक और बोरी का मुंह अच्छे से बंद करते हैं, शेर का खाल भी उठा के रख। मां, होल लगी दादा। आपके लिए चारठो हाथी का दांत, शेर का और हिरन का खाल लेकर आई रही महीना, और ये आपका लाडला लेकर आया है छोटो छोटो रंगीन चिरई। अरे इसको पकाएंगे तो दो कौर मांस भी नहीं निकलेगा इसमें, और ऊपर से पता नहीं कितना दाम देंगे इसके भैया जी। भैया जी नहीं पल्लू, सरकार, सरकार है वो हमरे, हम उनके सेवक। क्या है सेवक? भाई पकाने वाला नहीं, सजाने वाला चिड़ै है। सरकार को खास तलाश था इनका, वो इनका अच्छा दाम देंगे। दद्दा, अगर ये सामान हम खुद ही बेचें तो सरकार जितना पैसा देते हैं ना उससे ज्यादा कमाएंगे। बा बहुत खूब। अच्छा, अरे आजा राका, दबासी देते हैं तुझे, जामुन खाने का औकात नहीं और पूरा कटहल निकलेंगे बकलोल। तक खुद का दुकान खोलोगे तो पुलिस का डंडा कौन खाएगा, जुर्माना कौन भरेगा? तुम्हारा बाप सरकार हमें दो पैसा कम देते हैं और पुलिस से रक्षा भी करते हैं, समझ लो रे तुम सब में। दो पैसा कम नहीं दद्दा,
दस पैसा के चीज का दो पैसा ही हमें देते हैं और आठ पैसा अपनी जेब में रखते हैं। भगवान पे सवाल नहीं उठाते हरीश, वो का भक्ति करते हैं। ये मत भूल के पुस्तों से सरकार ही हमारे भाग्य बिताता है और हम उनके गुलाम। वे सरकार ना होते ना तो पुलिस हम चित्ताओं का जीना दुबर कर देती। सुन रहे हो कि नहीं? जीना दुबर कर देती, हमारे बाल बच्चों को जेल की चार दीवारी के भीतर कैद कर देती। गांव शहर में कोई भी अपराध होता, कोई भी, उनका ठीक रहा पुलिस, हम चित्ताओं के माथे फोड़ती। तो सरकार का हाथ हम पे है कि हम सलामत है। एक बात कहें दादा, सरकार भले ही कितना भी कीमत दे इन चिड़ैयों की, लेकिन चिड़ैयों का शिकार करने वाले को शिकारी थोड़ी ना कहते हैं। उकादा कहते हैं चिड़ी मार। तैयार होकर शेर बनने का भ्रम मत पाल बन्नू। जितना दत्ता को हम बाघ तेंदुआ और हिरन मार कर दिए ना, तुम तो पूरा जिंदगी भर नहीं दे पाएगा। अरे तो अब काहे जंग लग गया तुम्हारी मर्दानगी को, के गीतम मैडम के जाने का गम पाल लियो। अरे उकादा का 6 महीना हो गया है, अब तो भूल जा। अरे किसी और का दामन थाम के पुर हो गई हो। गुप्ता का नाम अपनी जबान से मत लेना तो हर जबान खींच लेगा। हम तो जैसे हाथ में मेहंदी लगा के बैठे रहेंगे, है ना बॉस? ये दोस्त अपना शिकार के लिए बचा के रखोगे तो अच्छा होगा, ये बच्चों की तरह लड़ना कब बंद करोगे? रे चचेरे भाई हो, एक घंटे में मेरी बस है, ऐसे उदास मन से विदा करोगे मुझे? आज जा रही हूँ ताकि कल हमेशा के लिए वापस आ सकूं। ऐसे कब तक चुपचाप छुप छुपा कर प्यार करूंगी तुमसे? अगर जिंदगी भर साथ निभाना है तो आज हाथ छुड़ाना होगा हरीश। मम्मी पापा को हमारे बारे में सब कुछ सच बताना होगा। इसी बात का तो डर है गीता, हम एक चित्ता है और तुम तो हमारे माँ पापा हमारे प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें स्वीकार करना होगा हरीश, और अब तो हमारे रिश्ते का वजूद भी इस दुनिया में आने वाला है। अगर हमारे खातिर नहीं तो हमारे होने वाले बच्चे की खातिर उन्हें हमारे रिश्ते को स्वीकार करना ही होगा। तुमने तो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था गीता, फिर हाथ छुड़ाकर कहाँ चली गई तुम? कल 15 अगस्त है, कल पूरे देश में भारत की स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री ने समस्त देशवासियों से अपील की है कि सब अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। भैया और कितना टाइम लगेगा मोक्षला पहुँचने में? बस मैडम जी पहुँचने ही वाले हैं। हमारे हरीश तुम्हें छोड़ कभी नहीं जाएंगे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के। भैया भैया यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं है? मैडम ये जंगल के आसपास का इलाका है ना, तो यहाँ नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। वैसे भी हम पहुँचने ही वाले हैं। बस मोक्षगढ़ नहीं है। माफ कीजिएगा मैडम, मोक्षगढ़ यहाँ से 3 किलोमीटर है और अब आपको पैदल जाना होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं भैया, मैं ऐसी हालत में पैदल कैसे चलूंगी? मैडम जी माफ करना, लेकिन आप किसी अच्छे परिवार की लगती हो। हमको नहीं पता आप की क्या मजबूरी है मोक्षगढ़ जाने की, लेकिन हम तो क्या उस चित्ता बस्ती में कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता जाने की। जिंदगी किसी को पूछ कर मजबूर नहीं करती भैया, और हम में हिम्मत है वहाँ जाने की। आप अपना किराया ले लीजिए। डोंट वरी सोना,
जब सब तुम्हारे जान के दुश्मन थे तभी तुम्हें कुछ नहीं होने दिया और अभी भी कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारी माँ ना फाइटर है और तुमको भी फाइटर ही बनना है। अब चाहे जो हो जाए हम तुमको तुम्हारे पापा से मिलवा कर ही रहेंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।